sixth class students, a wonderful morning to all of you. Students, I hope you all have done the previous work, basic point and exercise 3.1. Student, I want to say you something also. Students who haven't purchased the book, please purchase your book quickly, because without book you are facing many problem in your study. So book should be compulsory for everyone. So please take your book quickly and for continue your study. Now we start the exercise 3.2. Tick the correct answer. If a number is divisible by 14, agar ek number ko hum 14 se divide karte hain, then it is always divisible by. To ye number kisse bhi divide ho sakta hai. 2 and 3, ab inki multiple dekho, 2 and 3 kitna hota hai? 6 hota hai, 14 nahi hota. 3, 4 ja 12, 10, 4 ja 40, 7, 2 ja 14. To pair kiska aa raha hai? 7, 2 ja 14. So this is our answer. The smallest number which is divisible by the number 1 to 10. Hume batana hai, wo sabse chota number. जो 1 से लेके 10 तक के सभी नंबर में डिविजिबल हो जाएगा. स्टूडेंट्स, मैंने बेसिक पॉइंट में आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट भेज रखा है. अगर सबने वो याद कर लिया है तो बहुत बढ़िया बात है, वरना आप सबको वो लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज कम्प्लीटली डिविजिबिलिटी टेस्ट पे डिपेंड करती है. अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पर क्या है हमारा 0. 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि जो हमारा वंस पैलेस है वो इवन नंबर होने चाहिए. ठीक है, तो अब देखो ये 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि इवन नंबर है. अब 5 से डिविजिबल का भी यही रूल है, या तो लास्ट में 5 हो या फिर 0 हो. तो ये 2 से हो गया, 5 से हो गया, 10 से भी इजीली हो रहा है. उसके बाद 3 से डिविजिबिलिटी का रूल है, 3 और 9 से, कि इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल होना चाहिए. यस, किसके इक्वल होना चाहिए, वो स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रखा है. तो हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर ही देख लेते हैं. ये देखो इन दोनों का जो सम है, पहले मैं ये बता देती हूँ आपको, दोनों का सम है 4 एंड 4 8 ना. वो 3 से डिवाइड हो रहा है और 9 से डिवाइड हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, वो 3 से भी नहीं हो रहा और 9 से भी नहीं हो रहा. इट मींस ये तो हमारा हो नहीं सकता, क्योंकि हमें ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जो सबसे डिवाइड हो. तो अब नेक्स्ट है 2 5 2, 5 2 2 0. अब देखो 0 2 से डिवाइड हो रही है, 5 से हो रही है, 10 से हो रही है. अब इनका सम देखेंगे 9. 9 है आपका 3 से भी डिवाइड हो रहा है, और किससे डिवाइड हो रहा है, वो 9 से भी डिवाइड हो रहा है. उसके बाद लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे, लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होती हैं, तो वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 4 की टेबल में आता है. अब उसके बाद देखो 8 की टेबल में कौन कौन से नंबर आ गए, 2 5 10 3 9. अब जो वैल्यू 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो रही है, तो वो अपने आप 6 से भी डिवाइड हो जाती हैं. उसके बाद टर्न आती है 8 की. अब 8 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि लास्ट की जो 3 डिजिट हैं वो हमारी किससे डिवाइड होनी चाहिए, लास्ट की 3 डिजिट 8 से कम्प्लीटली डिवाइड होनी चाहिए. तो हम डिवाइड करके देखेंगे, 8 6 जो 48, 4 इज़ लेफ्ट, 8 5 जो 40, तो ये 8 से भी डिवाइड हो रहा है. और इसी तरह हम 7 से डिवाइड करके देखेंगे, 7 3 जो 21, 4 इज़ लेफ्ट, 7 6 जो 40. यस, ये 7 से भी, ये सभी नंबर से डिवाइड हो रहा है. इसी तरह हम इससे और इससे चेक कर लेंगे, तो हम आंसर ये वाला गेट करते हैं. नाउ इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2 और 3, अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है, तो इट मीन्स वो किस से डिवाइड होएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, वही नंबर आ जाएगा 2 3 जो 6. द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज ऑलवेज, जो सम है 2 कॉन्जिकेटिव ओड नंबर्स वो किससे डिवाइड होएगा, हमेशा वो आपका 4 से डिविजिबल होता है, किन्हीं भी दो कॉन्जिकेटिव ओड नंबर का सम. जैसे हम करेंगे 1 3 5 7 इस तरह से. तो मैंने फर्स्ट 2 ले लिए हैं, तो फर्स्ट 2 हमारे कौन से हैं, 1 एंड 3. 1 एंड 3 कितना हो गया टोटल, 4. 4 से डिवाइड है. सेकेंड और थर्ड ले लिया, 5 एंड 3, 8, ये हो रहा है. 5 एंड 7, 12, ये भी हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है. नेक्स्ट है डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 2 4 एंड 8. 2 4 एंड 8 से डिविजिबिलिटी के रूल मैं आपको बता देती हूँ, लाइक दैट. 2 3 6 इज द गिवन नंबर, डिविजिबल बाय 2. डिविजिबल बाय 2 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये नंबर, इसका जो वंस पैलेस है वो 2 से डिवाइड होना चाहिए. तो वंस पैलेस कितना है इसका, 6 है, वो 2 की टेबल में आता है, तो ये डिवाइड है. 4 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि जो हमारी ये लास्ट की 2 डिजिट्स है ना, ये 4 की टेबल में आनी चाहिए. तो हम देखें 4 की टेबल में 9 जा पे आ रही हैं, तो इट मीन्स ये डिवाइड है. नाउ
एट से डिविजिबिलिटी का रूल है, अगर मान लो ये स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी होती तो लास्ट की अगर थ्री डिजिट एट से डिवाइड हो रही हैं इजीली और रिमाइंडर हमारा ज़ीरो बच रहा है, इन दैट केस ये एट से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो हम इसको एट से डिवाइड करके देखेंगे, एट टू जहाँ 16, यस 7 इज़ लेफ्ट, 76 एट की टेबल में नहीं आता है, सो एट से नहीं होगा। नेक्स्ट में देखो, इसी तरह से हम पहले वंस पहले चेक करेंगे, फिर नेक्स्ट टू पहले चेक करेंगे, फिर थ्री पहले चेक करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस वी डू कंप्लीट दिस सम। नाउ इन द नेक्स्ट सम डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 3, 6 और 9। 3, 6 और 9 से ये वैल्यू डिविजिबल हो रही है, हमें ये बताना है। नंबर दे दिया हमें 201, 3 से डिविजिबिलिटी का और 9 से डिविजिबिलिटी का रूल है। अगर गिवन नंबर का सम इससे या इस नंबर से डिवाइड होता है, मैं पहले आपको 3 का बता देती हूँ। अगर गिवन नंबर का जो सम है, जो भी सम हमें दे नंबर दे रखा है, उसका सम अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। इसी तरह से गिवन नंबर का सम अगर 9 से डिवाइड हो रहा है, इन दैट केस दिस इज डिविजिबल बाय 9, अदरवाइज नो। नाउ डिविजिबल बाय 6, 6 से डिविजिबिलिटी का रूल है। अगर गिवन नंबर हमारा 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, दोनों प्रॉपर्टी क्लियर कर रहा है, इन दैट केस दैट शुड बी डिविजिबल बाय 6। सो नाउ वी सी फर्स्ट एग्जांपल 201। व्हेन वी ऐड 201 दैट इज इक्वल टू 3 एंड 3 इज डिविजिबल बाय 3, सो दैट इज यस 201। हियर वंस प्लेस इज 1, सो दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, सो नो। 3 से हमने यहाँ कर दिया, 2 से नहीं हुआ है तो डायरेक्ट लिख दिया हमने नो। नेक्स्ट 2 + 0 + 1 दैट इज इक्वल टू 3, 3 9 से डिविजिबल है, नो। सो हाँ यहाँ क्या आ गया, नो। इसी तरह से हम बी सी एंड डी ये सारे पार्ट कर देंगे। नाउ इन द फोर्थ क्वेश्चन व्हाट दे गिव यू, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 5 और 10। हमें बताने हैं कि कौन से नंबर हैं जो 5 और 10 से डिविजिबल इजीली हो जाते हैं। तो देखो 5 से रूल है कि अगर उसका वंस प्लेस पे 5 या 0 आती है तो वो डिविजिबल हो जाते हैं, और 10 का रूल है कि वंस प्लेस उसका 0 ही होना चाहिए, इट शुड बी मस्ट। सो दिस वैल्यू इज 2, 1, 3, 3, 5, 2, 1, 3, 3, 5, वंस प्लेस इज 5, सो दैट इज यस, वंस प्लेस इज 5 डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाय 10। वंस प्लेस इज 2, सो ये ना 5 से होएगा ना ये आपका 2 से डिवाइड होएगा, यहाँ 0 है, ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगा और ये 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 11 और नॉट। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन से नंबर हैं जो 11 से डिविजिबल हो जाएंगे और नहीं होंगे। दिस इज द गिवन नंबर 21084। देन फर्स्टली वी चेक ओड नंबर, ओड नंबर, ओड पैलेस नंबर, ओड पैलेस, वंस पैलेस, ये वन पैलेस हो गया, ये सेकंड पैलेस हो गया, ये इसका थर्ड पैलेस हो गया, फोर्थ पैलेस, फिफ्थ पैलेस, ठीक है। तो ओड पैलेस हो गए 204, तीनों को ऐड कर दिया 6 आ गया। उसके बाद ये जो बच गए हैं 1 और 8, ये इवन पैलेस है, 8 और 1 9। अब ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर यहाँ हमारा आंसर या तो 0 आता है या 11 आता है, या 11 की टेबल में आने वाला कोई भी नंबर आता है तो वो हमारा नंबर 11 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 5 बी एंड सी पार्ट यू कैन डू योर सेल्फ। नाउ टर्न इज क्वेश्चन नंबर 6। ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 7 और 9। एक नंबर है जो 7 और 9 दोनों से डिविजिबल है, बाय विच अदर टू नंबर विल दैट नंबर इज डिविजिबल। तो ऐसे दूसरे दो नंबर निकालने हैं जो इस नंबर से डिविजिबल हो सकें। तो एक नंबर क्या है 7, 1 9। अब दोनों के फैक्टर बनाते हैं, तो 7 एक प्राइम नंबर है, 7 का फैक्टर हो गया 1 और 7। 9 के फैक्टर हो गए 3 × 3। सो क्या क्या नंबर होंगे हमारे, सबसे पहले 7 के पेयर हम 3 से बना लेते हैं, और एक पेयर किसके साथ हो जाएगा, 7 का 9 के साथ, 7 × 3 = 21 एंड 7 × 9 = 63। इसी तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है, सम को ट्राई कर लेना, 7 का पेयर एक बार हम इसके साथ बना देंगे, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। सो स्टूडेंट्स
you can do this work complete in your fair notebook of math with neat and clean handwriting. Exercise 3.2, question number 1 to 7. Writing should be neat and clean, and student, please, who haven't purchased the book, purchase your book quickly for continue your study. Stay home, stay safe, and do enjoy your study. Thank you.